हेलो एवरीवन आज हमें पढ़ना है इस इस चैप्टर चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखो हम इस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं एंड एक्चुअली ये जानने वाली चीजें थी क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को है प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो किस तरह से किया जा रहा है और हम हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से दे सकते हैं तो आज हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं लास्ट है नहीं है लीस्ट नहीं बहुत अच्छा टॉपिक है और एक्चुअली ये हमारे जीवन में उतारने वाली बात भी है यानी कि हम इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं सो आई वेलकमिंग यू ऑल शाला देखो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम चाहे कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो कई बार हमको लगता है कि यार हम कोई जानवरों को थोड़ी ना जाके बचा लेंगे ठीक है हम हंटिंग नहीं करेंगे हम पोचिंग नहीं करेंगे हम पेड़ नहीं काटेंगे लेकिन उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं हम बहुत सारे पेड़ भी लगा सकते हैं लेकिन साथ ही साथ में हम पेपर को भी बचा सकते हैं एंड वी नो वेरी वेल कि पेपर को बचाना क्यों जरूरी है बिकॉज जब पेपर को बनाया जाता है तो उस पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे क्या लगते हैं बहुत सारे ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है जब सेवनटीन ट्रीज को कट किया जाता है तो फिर क्या बनता है

सबसे पहले उठते ही जब हम न्यूज पेपर मांगते हैं तो हमने देखा है कि न्यूज पेपर जो है रोज के रोज कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ऐसा तो है नहीं कि न्यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में यूज किए जाते हैं नहीं न्यूज तो सारी ही जगह पर यूज किए जाते हैं जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वहां आपको न्यूज मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो तो न्यूज़पेपर का मतलब अगर हम एक बार काउंट करके देखे अगर न्यूज को भी तो रोज के रोज देखो कितने सारे पेड़ों को कट किया जा रहा है सिर्फ एक न्यूज के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए भाई ऑनलाइन दे दो लेकिन नहीं फिर भी हमको तो ऑफलाइन चाहिए ही चाहिए पेपर तो चाहिए तो मॉर्निंग में उठते से ही आपने पेपर का यूज कर लिया इतना बड़ा न्यूज़पेपर आता है सो जो कितने पेड़ लगते होंगे इससे ठीक है उसके अलावा जब हम हमारी स्कूल अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते से ही हम क्या लेकर जाते हैं अपना पूरा बैग भर के पेपर लेकर जाते हैं हम हाँ अपनी बुक्स लेकर जाएंगे हम हाँ अपनी नोटबुक्स लेकर जाएंगे टेस्ट नोटबुक्स ले जाएंगे नोट mm. नोट कई बार होता है कि जब टीचर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब भी हमको वो पेपर्स में ही मिलती है जो कि हमारी डायरी के अंदर पेस्ट किया जाता है कई बार होता है एग्जाम शीट अगर देनी होती है तो भी वो हमको किस में मिलता है पेपर के अंदर ही मिलता है ठीक है कुछ के अंदर होता है कि बोर्ड पर आपको लिखवा दिया जाता है कुछ होता है जहाँ पर आपको व्हाट्सअप कर दिया जाता है पूरा आपका शेड्यूल लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है कि आज भी वहाँ पर पेपर्स दिए जाते हैं आपको अगर आप अपनी स्कूल की फीस भी डिपॉजिट करवाते हो तब भी आपको एक रिसिप्ट दी जाती है जो कि होती है पेपर की फॉर्म में ही होती है उसके अलावा भी हम पेपर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब आप नई जगह कहीं एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक बड़ा सा फॉर्म दिया जाता है बहुत सारे उसके साथ में पेपर एंक्लोज करने होते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज को, को आपको उसमें एंक्लोज करना होता है तब भी हम कितना ज्यादा पेपर का यूज कर रहे हैं उसके अलावा हम वेस्ट भी बहुत करते हैं अब लिखते लिखते कई बार होता है गलत हो गया पूरा पेज कट फाड़ो उसको नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं अरे थोड़ा सा ही तो गलत हुआ है ना तो पीछे वाला पेज तो काम आ ही सकता है बट नहीं हम उसको पूरा फाड़ देते हैं उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग स्केचिंग करते हैं स्केचिंग के टाइम पर वो स्टार्ट करेंगे स्केचिंग गड़बड़ हुआ पेज को उठाया फेंक दिया फिर किया फिर गड़बड़ हुआ फिर पेज को उठाया फेंक दिया फिर किया उन्होंने फिर कुछ हो सकता है कि गलत कर दिया तो वो उसको इरेज करने की जगह या फिर उसको सुधारने की जगह क्या करेंगे पेपर को उठा के फेंक देंगे ठीक है Uh, उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार होता है कि हम बैठ के लिखते हैं अब कुछ भी लिखते हैं कई बार सोचते हैं कि यार हमको अपने थॉट्स लिखना है तो थॉट्स लिखते लिखते जब हमको लगता है कि नहीं सही नहीं जा रहा हम पेपर को पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिखा फिर कुछ हमें लगा कि नहीं यार ये तो सूटेबल नहीं है कुछ और अच्छा लिख सकते हैं तो भी हम क्या करेंगे पेपर को फाड़ेंगे फाड़ेंगे और फेंक देंगे फाइन उसके अलावा जब स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन होते हैं पोयम के आ, आपके ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन पैराग्राफ राइटिंग कॉम्पिटिशन तब भी हम क्या करते हैं बैठ के घर में प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस के अंदर भी हम बहुत सारे पेजेस को वेस्ट कर देते हैं इवन लोग मैथ्स की प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेजेस को वेस्ट करते हैं भाई जो काम आपका दो पेज के अंदर हो रहा है लेकिन नहीं हम उसको कितने पेजेस में करेंगे एटलीस्ट फाइव टू सिक्स पेजेस के अंदर हम उसको करेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखेंगे और तब जाके उसको करेंगे या सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे अरे भाई रफ वर्क करना है प्रैक्टिस ही तो करनी है कौन सा वो मैम आपकी चेक करने वाली है तो उसको आप थोड़ा अगर साइड के अंदर शॉर्ट में भी लिखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा लेकिन नहीं, हमें तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है में लिखना है फिर हमको लगता है कि नहीं थोड़ा दूर दूर लिखो तो उसके अंदर हम बहुत सारे पेजेस को वेस्ट कर देते हैं सोचो जब इतने सारे पेजेस को आप वेस्ट कर रहे हो इतने सारे पेजेस को आप यूज भी कर रहे हो तो कितने सारे पेड़ों का यूज कर रहे हो कितने सारे पेड़ों को काटना पड़ता है अगर हम Uh, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ एक दिन का वन डे का अगर पेपर यूज देखिए पेपर का यूज अगर चेक करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम पेड़ों को कट कर देते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फॉर ओनली वन डे तो सोचो हम तो रोज के रोज यूज किए जा रहे हैं इतने टाइम से इतने सालों से यूज किए जा रहे हैं अभी भी हम आगे पेपर का यूज कर ही रहे हैं इतने सारे पेजेस का यूज करते हैं तो सोचो कितने ज्यादा पेड़ों को हम कट कर रहे हैं गड़बड़ है बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो अब हमें क्या करना है इन सबको बचाने के लिए भाई पेपर की वजह से देखो कितना ज्यादा हो रहा है अब हमें क्या करना है पेड़ तो लगाना ही है तो हम क्या कर सकते हैं हम हमारे वो जो थे, थ्री आर्स थे वो वाला आइडिया यूज कर सकते हैं थ्री आर्स का मतलब क्या था रिड्यूस थ्री आर्स क्या कौन से थे रिड्यूस रीयूज रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं भाई री करो रिसाइकिल करो और uh, रिड्यूस करो तो जाके ऑटोमेटिकली हम पेड़ों को बचा लेंगे भाई पेपर को बचाओगे तभी तो पेड़ों को बचाओगे तो सेव पेपर सेव ट्रीज देखो रिड्यूस करना है मतलब हमको क्या करना है उसके यूज को कम कर देना है पेपर के यूज को कम कर देना है. जितना हो सके अपने फोन में नोट्स बनाए लैपटॉप होता है सबके पास है तो पूरे दिन हम लैपटॉप में लगे रहते हैं पूरे दिन हम फोन में लगे रहते हैं लेकिन जब लिखने की बारी आएगी ना तो उसके अंदर नहीं हम उसी के अंदर लिखेंगे अरे भाई नोट्स नाम की चीज तो हमारे लैपटॉप में भी होती है नोट्स नाम की वही चीज हमारे फोन में भी होती है कुछ ना चीजें होती है जो हम हम रिमाइंड कर सकते हैं हम हमारे मेमोरीज के अंदर भी रख सकते हैं बट तो नहीं हमें तो हर चीज को बस लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं उस चीज को उसके अलावा पेपर के वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं सोचो अगर अगर हम रोज का सिर्फ दो दो पेजेस को बचाना स्टार्ट करें हर एक पर्सन अगर सिर्फ दो दो पेजेस को बचाएगा या एक एक सिंगल सिंगल पेज भी अगर वो बचाएगा तो कितने सारे पेड़ों को बचाया जा सकेगा वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम ये मान के चलते हैं कि मिलियंस बिलियंस के अंदर है इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि हमारे जीरोज भी कम पड़ जाएंगे अब सोचो अगर सब ने एक, एक एक पेपर अगर बचाया है तो कितने ज्यादा पेपर बचेंगे और इतने ज्यादा अगर पेपर बच रहे हैं तो कितने सारे पेड़ों को बचाया जा सकेगा पॉसिबल तो है ही बिल्कुल पॉसिबल है सिर्फ एक एक पेज ही तो बचाना है अगर हम बात करें किसी एक एवरेज पर्सन की तो एक एवरेज पर्सन जो है रोज के रोज अपने लाइफ के अंदर टेन पेजेस का यूज करता है रेगुलरली वो टेन पेजेस का यूज करता है हम मिनिमम मान के चलते हैं बेसिकली तो आप लोग तो मुझे लगता है कि टेन नहीं ट्वेंटी थर्टी पेजेस का यूज कर लेते होंगे जब मैम वर्क करवाती है आपका उस टाइम पे भी होमवर्क होता है आपका बस आप प्रैक्टिस करते हो रफ वर्क करते हो तो सब मिला के ट्वेंटी थर्टी पेजेस का यूज कर लेते बट हम एक अप्रॉक्स आइडिया लेते हैं कि पर हेड टेन पेजेस का यूज तो रेगुलरली होता होगा डेफिनेट सी बात है इतने पेजेस तो बहुत नॉर्मल हो जाता है ये तो इनका यूज तो किया ही जाता होगा अब अगर इन टेन पेजेस में से पर हेड पर पर्सन अगर सिर्फ एक एक पेज बचाएगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिंगल पेज बचाएगा तो सोचो कितने सारे पेड़ों को बचाया जा सकेगा बहुत सारे पेजेस भी बचे और साथ ही साथ उसी की जिस तरह बहुत सारे ट्रीज को भी सेव किया गया कैसे भाई इतने पेजेस को बनाने में इतने पेपर्स को बनाने में जो ट्रीज कट हुए थे उनको नेक्स्ट डे नहीं कट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम उनको कट नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके जो ट्रीज uh, है वो बचे हुए रहेंगे तो हुआ ना हमारा सेव uh, पेपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर फाइन चलो नेक्स्ट हम हैं रीयूज पे अब रीयूज कैसे करें भाई पेपर को हमने एक बार यूज कर लिया है तो हम उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं आपने नोट किया होगा कि अपने जो भाई बहनों की नॉर्मल जो कॉपीज होती है उसके अंदर जब वो पेंसिल से वर्क करते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है जब वो नोटबुक भरने वाली होती है तो पीछे के जो पेजेस होते हैं स्टार्टिंग वाले जो पेजेस होते हैं उन पेजेस पे जो लिखा होता है वो बहुत लाइट हो जाता है बहुत लाइट हो जाता है या उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ तो विजिबल भी नहीं होती है फाइन तो ये क्यों हुआ पेंसिल की वजह से हुआ अब हम क्या कर सकते हैं उसी नोटबुक को फिर से यूज कर सकते हैं उसके ऊपर अगर आप पेन से लिखते हो तो आपको वो बहुत क्लियरली विजिबल होगा आपको ये सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी कि यार ये क्या लिखा था सब कुछ सही है तो क्यों ना हम उसका यूज कर ले तो ये रीयूज भी हो सकता है पेपर का भी रियूज किया जा सकता है या फिर हम ऐसे कर सकते हैं सपोज हमारे पास में एक पेज है जिसके अंदर हमने क्या किया कि हाफ पेज में तो हमारा काम हो गया नीचे का ये पेज रह गया है तो कई बार होता है कि हम इस नीचे वाले पेज को छोड़ देते हैं कि नहीं अब इतना ही तो रहा है हम एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज से इसका नेक्स्ट पेज से जो है अपना काम करेंगे नहीं हमको तो देखो आपने एक चीज देखी होगी कि जो हमारे रफ पेपर्स आते हैं रफ नोटबुक्स आती है उनके पेजेस बहुत सारे ब्लैक ब्लैक टाइप के होते हैं थोड़े से मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो वाइट नहीं होते हैं फाइन तो वैसे ही जब हम जो पेंसिल वाला कॉन्सेप्ट अगर हम कह रहे हैं कि जो पुरानी नोटबुक्स होती है जिनके अंदर अगर आपने पेंसिल से लिखा हुआ है तो आप उस नोटबुक को फिर से यूज कर सकते हो कुछ टाइम के बाद में बिकॉज उसके ऊपर लिखा हुआ जो होगा वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उसके ऊपर और कुछ लिख सकते हो और पेन से लिखा हुआ अगर आपने है तो आप उसको आराम से पढ़ भी पाओगे ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ नहीं पाओगे तो कोशिश करें कि अपने नई नोटबुक के अंदर हमेशा पेंसिल से ही काम करें इवन अगर आप रफ वर्क कर रहे हो तब तो हंड्रेड परसेंट आप पेंसिल से काम करो तो थोड़े टाइम के बाद जो है आप उसी पेज को फिर से यूज कर पाओगे और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें रोज के एटलीस्ट एक, एक दो एक दो पेजेस जरूर बचाए ये ना सोचे कि हमारे इंडिविजुअल से क्या होगा बिकॉज कोशिश तो करनी पड़ेगी गांधी जी ने अगर सोचा होता तो क्या आज हम आजाद होते क्या नहीं होते ना तो वैसे ही आपको एक दो एक दो पेजेस रोज के बचाने हैं रोज के सेव करने हैं जितना हो सकता है चीजों को याद रखने की कोशिश करें या फिर पेजेस वेस्ट कम करें बिल्कुल वेस्ट ना करें जितना हो सके अच्छे से काम करे रफ वर्क हो वो कम करे गलत लिख रहे हैं तो पेज पूरा काटे नहीं सिर्फ जो आपने गलत लिखा है सिर्फ उसी को हटाए बाकी सब कुछ नॉर्मली रहने दे बाकी जो पेज है उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो उसके अलावा कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा ही गलत हो गया तो भी पेज को फाड़ना नहीं है स्केचिंग वगैरह जो करते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके पेंसिल से करो इरेज करते रहो उसको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गलत हुआ और आप उसको फाड़ के फेंक दो नहीं ये पेपर का वेस्टेज होता है जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए हमको पेपर का वेस्टेज नहीं करना है बिकॉज हमें पता है कि जब हम पेपर को बचाएंगे तो हम पेड़ों को भी बचा पाएंगे अब आते लोगों को लग रहा होगा कि मैम एक काम करते एग्जाम नहीं करवाते एग्जाम कंडक्ट कर करवाते तो कितने सारे पेजेस का यूज किया जाता है ना तो एक काम करते एग्जाम्स को हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं तो बेटा एग्जाम तो तुम्हारे कैंसिल होने नहीं है ठीक है उसके अंदर तो पेजेस डेफिनेटली यूज किए जाएंगे बट एग्जाम के टाइम पे भी अः कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग के पेजेस का यूज कर लेते हैं बैक साइड में अगर वो नहीं भी काम आ रहा है तो बैठे 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 उसके ऊपर ड्राइंग बनाते रहेंगे अरे थोड़ा सोचो पेपर को क्यों वेस्ट करना है भाई जब वो पेपर बच सकता है तो क्यों उसको वेस्ट करना है वो आगे किसी और के कहीं और काम आ जाएगा ऐसा तो है नहीं ना कि एग्जामिनर जो है वो सारा आपका एग्जाम खत्म होने के बाद में पेपर को जला देते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं करते वो लोग भी क्या करते हैं कुछ सालों तक आपके सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं उन कुछ सालों के बाद में वो रिकॉर्ड्स भी रद्दी में दिए जाते हैं ताकि वहां से वो रिसाइकिलिंग के लिए जा सके ऐसा नहीं है कि ठीक है उसको जला दिया फ्यूगर नहीं पेपर को कभी भी वेस्ट ऐसे नहीं करते अगर आपने पेपर का यूज तीन चार बार कर लिया है आपको लग रहा है कि नहीं अब इस पेपर का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको रद्दी वाले भैया को दे वो भैया क्या करेंगे वो भैया उसको रिसाइकिलिंग के लिए ले जाएंगे तो अभी रिसाइकिलिंग क्या है तो देखो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स टू मेक न्यू मटीरियल्स विच कैन बी यूज अगेन इज कॉल रिसाइकलिंग कोई भी ऐसा मटीरियल जो कि ऑलरेडी यूज कर, किया जा चुका है अब हमें क्या करना है उसको यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे उसको एक ऐसी जगह भेज देंगे एक ऐसे प्रोसेस के लिए भेज देंगे जहां से उसको फिर से नई चीज में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा ताकि आप उस नई चीज़ को यूज कर सको और उसे ही हम क्या कहते हैं रिसाइकलिंग कहते हैं रिसाइकिल कर रहे हैं जैसे आपने प्लास्टिक की बात की होगी प्लास्टिक के बारे में वैसे हमने बहुत पढ़ लिया है तो जो प्लास्टिक्स होते हैं हमारे उन प्लास्टिक्स को भी हम क्या करते हैं हम उस प्लास्टिक को दे देते हैं कबाड़ी वाले भैया को और वो जो भैया है हमारे वो कहाँ ले जाते हैं उसको वो उसको ले जाते हैं रिसाइकलिंग मिल के अंदर रिसाइकिलिंग मिल में क्या होता है उस प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और उसके मेल्ट होने के बाद में उससे कोई नई चीज़ बना दी जाती है और फिर मार्केट में उसको सेल आउट कर दिया जाता है तो जो प्लास्टिक था वो नया नहीं बनाया गया वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसी से नई चीज़ बनाई गई है जो यूज़ नहीं आ रही थी उस चीज़ को हटा के नई चीज़ बना दी जो कि यूजेबल होगी सेम वैसे ही पेपर की भी रिसाइकिलिंग होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेपर को भी रिसाइकिल किया जा सकता है पेपर को बेसिकली क्या किया जाता है रद्दी वाले भैया जो है वो हमेशा कहाँ ले जाते हैं वो उसको रिसाइकिलिंग मिल में ही ले जाते हैं वहां पर पेपर को पानी के अंदर डाल के रखा जाता है जिससे कि उसका एक तरह से देखा जाए लुक दी जैसा कुछ बन जाता है ठीक है और उसके बाद उससे आपके रफ पेपर्स बनाए जाते हैं पेपर को रिसाइकल अगर किया जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो एकदम पहले की तरह वाइट तो नहीं होंगे थोड़ा बहुत उसमें ब्लैकिश आएगा ब्लैक कलर हल्का हल्का आएगा ही आएगा पेपर भी थोड़े लो क्वालिटी के होंगे दैट इज वाई उन सारे पेपर्स को हम किस में यूज करते हैं हम उसको रफ पेपर में यूज करते हैं आपने रफ रफ नोटबुक्स को भी ध्यान से कई बार देखा होगा कुछ पेजेस ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं बहुत ज्यादा हल्के होते हैं बहुत डार्क होते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े लाइट होते हैं उनके ऊपर हमको लिखना भी अच्छा लगता है तो वो जो कुछ लाइट पेपर अच्छी क्वालिटी के पेपर है वो क्या है वो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम रिसाइकल है आपने क्या किया इसको फर्स्ट टाइम के लिए भेजा recycle. आपने किसके लिए भेजा इसको रिसाइकिल के लिए भेजा फर्स्ट टाइम ठीक है फर्स्ट टाइम भेजा अब जब फर्स्ट टाइम ये रिसाइकिल होकर आएगा फर्स्ट टाइम जब ये रिसाइकल होके आएगा तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रेश हो ये एकदम से व्हाइट वाला हो ऑलमोस्ट व्हाइट पेपर हो तो हमें उसको देख के लगे कि हाँ ये सही नोटबुक है हमारी रफ नोटबुक के लिए ठीक है अब क्या होगा आपने उसको फिर से रिसाइकल के लिए भेजा फिर आपने किसके लिए भेजा रिसाइकल के लिए भेजा तो अब क्या होगा अब आपने इसको सेकेंड टाइम भेजा है तो हो सकता है ना थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा डार्क पेपर आए और थर्ड या फोर्थ टाइम अगर देखोगे तो बहुत डार्क आ जाएगा तो उसके बाद उसकी, उसकी रिसाइकिल नहीं होती ऑलमोस्ट टू थ्री टाइम्स फोर टाइम रिसाइकल हो जाता है उसके बाद रिसाइकल नहीं होता तो देखो लेकिन हमने उसको वेस्ट नहीं किया हमने नया नहीं बनाया पेपर जो था उसी को रिसाइकल कर दिया सी जो था उसी को हमने क्या कर दिया रिसाइकल कर दिया अब ये कौन से पेपर है जो रिसाइकल हो सकते हैं तो बेटा सारे ही पेपर रिसाइकल होते हैं चाहे वो आपके न्यूज पेपर हो चाहे वो आपकी बुक्स हो चाहे आपकी नोटबुक्स हो या चाहे अगर हम कहे कि मैगजीन से हमारी या हमारी कुछ कहानियों की किताबें हैं जो भी है सारे ही पेजेस का रिसाइकल किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नोटबुक्स को रिसाइकिल किया जाएगा नहीं सारे पेजेस को रिसाइकिल किया जा सकता है और जो रिसाइकल्ड पेपर होता है उसको भी फिर से रफ नोटबुक्स फॉर्म में यूज किया जाता है फाइन सो पेपर कैन बी फ्रॉम ओल्ड मैगजीन बुक्स नोटबुक्स अदर पेपर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आफ्टर रिमूविंग इंक इंक को रिमूव करके फिर उसको यूज किया जा सकता है ठीक है पेपर मस्ट बी सेव री यूज एंड रिसाइकल्ड बाई सेंडिंग टू पेपर मिल एज आई टोल्ड यू कि पेपर के यूज को रिड्यूस करना है उसके वेस्टेज को कम कर देना है उसके अलावा हमको पेपर को री करना है देखो कई बार होता है कि आ, हम एनवलप्स लेकर आते हैं पेपर के और फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर से सामान हमने लिया या कहीं भेजना है तो भेज दिया जिसको भी वो सामान मिला वो उसको सामान निकाल लेगा और उस एनवलप को बाहर फेंक दिया जाता है भले ही वो ब्लैंक होगा कुछ लिखा नहीं उसके ऊपर लेकिन तो भी उसको बाहर फेंक देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है उसी एनवलप को हम बार बार यूज कर सकते हैं दो बार तीन बार चार बार तो हम उसको यूज कर ही सकते हैं तो क्यों हम उसे बाहर फेंके तो रिड्यूस भी करना है पेपर के यूज को वेस्टेज को कम करना है साथ ही साथ उसको री भी करना है एंड ज्यादा ही अगर है नहीं हो पा रहा है नहीं यूज कर पा रहे हैं हम उसको हमने हमारी तरफ से वो वेस्ट ही है तो हम उसे कहाँ भेज दें पेपर मिल के अंदर भेज दें ताकि वहां पर उसकी रिसाइकिलिंग हो सके ऐसा नहीं कि पेपर को जला दे पेपर को अगर जला दिया तो कुछ नहीं बचेगा नेक्स्ट टाइम पेपर की जब रिक्वायरमेंट होगी तो नए पेड़ काटने पड़ेंगे दैट इज वाई उन्हीं को हम रिसाइकिल करते रहे तो ज्यादा हमारे लिए बेटर है और एनवायरमेंट के लिए भी बेटर है तो जितना ज्यादा हम पेपर को सेव करेंगे उतना ही ज्यादा हम हमारे एन्वायरमेंट को हार्म होने से बचाएंगे बिकॉज फिर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे हम ज्यादा पेड़ों को नहीं काटेंगे ना अब अगर सपोज हमने आ, पेड़ों को कट कर भी दिया है पेड़ों को बहुत कट कर दिया तो हमको क्या करना है भाई पेपर को भी हम बचा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतने पेड़ों को कट किया जा चुका है ना कि अब तो बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो गया और इतना ज्यादा कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज रिफॉरेस्टेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज रिफॉरेस्टेशन भाई हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अभी डिफॉरेस्टेशन हम इतने टाइम से क्या पढ़ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन पढ़ रहे हैं मतलब कि पेड़ों को काटना कटिंग द ट्रीज बहुत सारे पेड़ों को एक साथ में काट दिया है तो क्या होगा डिफॉरेस्टेशन होगा इस डी को हटाकर अगर हम डी कर देते हैं कि भाई ये होगा रिफॉरेस्टेशन तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को फिर से बनाना अब चाहे आप इसको रिफॉरेस्टेशन बोले चाहे आप इसको अफॉरेस्टेशन बोलें ये क्या होगा ये होगा आपका पेड़ों को बनाना ठीक है ये अफॉरेस्टेशन बोलो चाहे आप इसको डिफॉरेस्टेशन बोलो रिफॉरेस्टेशन बोल दें दोनों ही आपके सिमिलर होंगे फाइन कि पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं सोचो अगर, अगर किसी ने एक पेड़ काटा है और अगर उसने दो पेड़ लगाए बदले में तो कितना अच्छा होगा ना कितनी ज्यादा ग्रीनरी हो जाएगी बहुत सही रहेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है लोग अगर पचास पेड़ भी काट देते हैं तो भी एक भी पेड़ लगाने के बारे में सोचते नहीं है दैट इज वाई रिडिफॉरेस्टेशन हो रहा है और रिफॉरिस्टेशन का तो सिर्फ एक ही मेथड है जितना हो सके आप पेड़ लगाए फाइन चलो देखो रिफॉरिस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग और रिप्लांटिंग फॉरेस्ट एरियाज दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड और फॉर द ऑफ मैनकाइंड मैनकाइंड जब के के बेनिफिट के लिए आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं या बहुत सारे पेड़ों को कट कर देते हैं फॉरेस्ट एरियाज को खत्म कर देते हैं या उनको डैमेज कर देते हैं तो हमको क्या करना होता है हमें रीप्लांट करना होता है रीप्लांटिंग करनी होती है बहुत सारे पेड़ों को फिर से लगाना होता है लेकिन कई बार होता है कि जो एरिया है वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है कैसे होगा रीजनरेट तो देखो पर्टिकुलर अगर एक फॉरेस्ट है इस फॉरेस्ट के अंदर क्या हुआ यहाँ के कुछ पेड़ों को कट कर लिया गया लेकिन उसके बाद इस पूरे फॉरेस्ट को छेड़ा नहीं गया उसको देखा ही नहीं गया बहुत टाइम तक नहीं देखा गया तो होगा क्या तो ये जो एरिया है ये जो एरिया जहाँ से पेड़ों को कट किया गया था क्या वहां पर अभी भी ऐसे ही पड़ा रहेगा नहीं वहां पर नए पेड़ उग के आ जाएंगे अपने आप ही नए पेड़ उग जाएंगे अपने आप ही जो है वहां पर बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे और वो हरा भरा हो जाएगा फिर से जंगल जो है वो फिर से हरा भरा होकर भर जाएगा यानी कि क्या हुआ रिजनरेशन हो गया अपने आप ही सब कुछ बन गया आपने कई बार नोट किया होगा कि कई जगह जहाँ पर खाली जमीन होती है वहां अपने आप ही जो है कुछ टाइम के बाद पेड़ उगने लग जाते हैं या कई बार देखा होगा कई बार होता है कि एक हमारे आसपास में कई जो प्लॉट खाली होते हैं तो उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जो है पेड़ उगाते हैं अपने आप ही या फिर कुछ ऐसे घर होते हैं जो बिल्कुल अगर बंद पड़े हैं वहां पर अगर भी कोई जमीन है तो वहां पर भी होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं थोड़े टाइम के बाद ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए कि जमीन जो होती है जो सॉइल है अगर वो फर्टाइल है तो वो अपने आप को क्या करती है रीजनरेट करती है सॉइल हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेशन वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगी अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे वो धीरे 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 अपने आप को हीलप करेगी और रीजनरेट करेगी लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा ये रीजनरेशन जो है थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम क्या कर दें रीप्लांटिंग कर दें हम बहुत सारे पेड़ खुद ही लगा दें लेकिन अगर आप पेड़ लगा भी नहीं रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस जगह पर आपने डिफोरेस्टेशन किया है जिस जगह से किसी पेड़ को हटाया है तो उस जगह पर काफी सालों तक वापस ध्यान ना दिया जाए ताकि क्या हो उससे अपने आप ही वहाँ पर रिजनरेशन हो जाए और वहाँ से Uh, वहाँ जो हरी भरी जो जमीन थी जिसको कि हमने पेड़ हटा लिए थे जहाँ से वहां वापस से पेड़ आ जाए वो जमीन जो है फिर से हरी भरी हो जाए और वहां पर फॉरेस्ट भी फिर से आ जाए फाइन तो ये क्या होगा ये रीजनरेशन होगा और इसी को हम रिफॉरेस्टेशन भी कह देंगे ना देखो रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन शेयर द सेम मीनिंग ये दोनों मीनिंग सेम है अफॉरेस्टेशन जो है वो रिफॉरेस्टेशन का ही अनादर नेम है एज आई टोल्ड यू ना ओकेजनली फॉरेस्ट है कैपेबिलिटी टू टू रीजनरेट ड्यू टू दीज इन दराउंडोल डू की जो रीजनरेशन की पावर होती है वो ऑलरेडी उसके अंदर होती है सॉइल के अंदर आस पास के जो पेड़ होते हैं उनकी वजह से भी रिजनरेशन होता है और सेकेंड थिंग की जब आस पास के जो पेड़ पौधे हैं जब उनके अंदर से सीड्स आ जाएंगे जब वो अपने सीड्स को बिखेरेंगे तो उन सीड्स की वजह से भी वहां पर रिजनरेशन हो जाता है तो हमको अगर हमने अगर डिफोरेस्टेशन किया है तो हमें उस लैंड को फिर से खुला छोड़ देना है आसपास के पेड़ों को फिर काट नहीं करना है ताकि धीरे 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 जो हो वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाए और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो उगाए फाइन और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहां पर रीप्लांटिंग कर दें कि अगर हमने एक या दो पेड़ काटे तो हम फिर से एक या दो पेड़ लगा दें ऐसा नहीं होगी नहीं लगाए एंड दे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कोई पेड़ काटते हो और फिर आपको मन होता है कि नहीं एक काम करते हैं फिर से दूसरे पेड़ लगा देते तो सेम स्पीशीज के पेड़ लगाने होते हैं ऐसा नहीं है कि आपने काटा तो है मैंगो ट्री लेकिन आप लगा रहे हैं फिर से टीक ट्री नहीं ये नहीं होना चाहिए जब आप मैंगो ट्री को कट कर रहे हो तो आपको लगाना भी कौन सा है मैंगो ही ट्री लगाना है वापस से अगर आप किसी टीक ट्री को कट कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम जो प्लांट कर रहे हो वो भी टीक ट्री ही हो मेक श्योर sure कि अगर आपने नीम का पेड़ कट किया है तो वापिस नीम का ही पेड़ लगाना है क्यों करना है ऐसा सपोज अगर हम कंटिन्यूसली मैंगो ट्रीज को कट करते रहेंगे ठीक है कोई भी ऐसा रीजन हो गया कंटिन्यूस अगर मैंगो ट्रीज कट हो रहे हैं और वापस जो रीप्लांट हो रहा है वो कोई और ही ट्री है तो क्या मैंगो ट्री जो है एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म नहीं हो जाएंगे बिल्कुल पॉसिबल है जैसे शीशम का पेड़ है शीशम की लकड़ी मुझे लगता है बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है ठीक है कई बार फर्नीचर वगैरह में भी हमने सुना होगा कि शीशम की लकड़ी लगानी है या सागवान की लकड़ी लगानी है तो अगर हमने इन पेड़ों को कट किया है तो इन पेड़ों को कट करने की वजह से क्या होगा भाई इन पेड़ों पेड़ों की जो क्वांटिटी है वो तो कम हो ही चुकी है बट अब हुआ क्या हुआ ये कि हमने जो पेड़ लगाया शीशम के बदले हमने जो पेड़ लगाया वो कोई और ही लगा दिया हमने शीशम का पेड़ वापस नहीं लगाया अब जब शीशम का पेड़ वापस नहीं लगा है तो क्या इसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी बिल्कुल होगी और एक टाइम के बाद में ये जो शीशम है ये देखने को भी नहीं मिलेगा दैट इज वाई हम जिस स्पीशीज के जिस तरह के प्लांट को जिस तरह के ट्री को कट करते हैं हमें ये इंश्योर करना है कि भाई हम उसी तरह के ट्री को वापस लगा रहे हैं उसी सेम स्पीशीज की ट्री को लगा रहे हैं या फिर रीजनरेशन के लिए उस एरिया को पूरा छोड़ दिया जाए फाइन तो दोनों ही वे हो सकते हैं किसके लिए रिफॉरेस्टेशन के लिए और जब तक रिफॉरेस्टेशन नहीं होगा हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं दैट इज वाई पेड़ों को काटने की जगह हमें उनको प्लांट करने की जरूरत है जितना हो सके पेड़ अगर ज्यादा होंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा बिकॉज हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ा था तो उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हमको क्या करना है फिर से पेड़ पौधे लगाना है फिर से हमारे अर्थ को क्या करना है हरा भरा करना है आई होप की आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे एनसीआरटी क्वेश्चन को कि जितने भी हमारे बुक के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन गिवन है उन सबको हम देखेंगे Thank you so much.